गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नेम है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ा ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। सर देखो, अगर मैं बात करूँ सर बीओपी होता क्या है, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो मैंने क्या बोला, इट सिंपली रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो मैंने बताया कि इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहां पर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि सर बीओपी रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये अकाउंट किसके बीच में है, हमारे और फॉरेन रेजिडेंट्स के बीच में। तो इट इज एन अकाउंट बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड फॉरेन रेजिडेंट्स, दैट इज रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज। अब सर ये बात बताओ कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी होती है। तो बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तीन तरह की होती है, एक होती है विजिबल आइटम्स, एक होती है इनविजिबल आइटम्स और एक होती है बेटा कैपिटल ट्रांसफर्स, एक होती है कैपिटल ट्रांसफर्स। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है बेटा, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो मैं बात करता हूं विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, मतलब कोई भी ऐसे गुड जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल का मतलब होता है कोई भी मार्कर है, मार्कर क्या है बेटा, फिजिकल गुड, टेंजिबल, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो देखो विजिबल में हम कवर करते हैं बेटा, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, दीज आर विजिबल एज दीज आर अ मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। तो इनको विजिबल क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि ये बने हुए किसी मैटर और मटेरियल से। तो मैंने आपको बताया विजिबल आइटम्स, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड एंड दीज आर विजिबल एज दे आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। अगर मैं बात करूं बेटा इनविजिबल आइटम्स की, तो यहां हम कवर करते हैं सर्विसेज को, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो बेटा इनविजिबल में किसको इंक्लूड कर रहे हैं बेटा अपन, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दीज आर इनविजिबल एज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। और इनको ये इनविजिबल क्यों है, क्योंकि सर ये किसी चीज से बनी हुई नहीं है। तो मैंने आपको बताया बेटा बीओपी क्या होता है, सिंपली बोलना सर इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री की इसके साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और अगर मैं बात करूं बेटा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की, तो ये तीन तरह की होती है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। अगर हम बात करें बेटा विजिबल आइटम्स की, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फिर टेंजिबल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, विच आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। इनविजिबल में हम कवर कर रहे हैं बेटा किसको, सर्विसेज को। और बात करें बेटा कैपिटल ट्रांसफर की, तो इट इज़ कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो इस यहां हम बात करते हैं बेटा किसकी, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स की। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या थी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तीन तरह की थी बेटा, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो हमने एक डेफिनेशन कवर की बेटा, कौन सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। विजिबल था गुड्स की हम बात कर रहे हैं, इनविजिबल में हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और कैपिटल में हम बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड की, दैट इज कॉल्ड बीओटी। तो हम बात करेंगे बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज कॉल्ड बीओटी। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूँ ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सुनना देखो, मैंने एक्सपोर्ट किया बेटा,
1000 रुपये का, मैंने इम्पोर्ट किया बेटा 1500 रुपये का, तो बताओ मैं प्लस में हूँ या माइनस में? सर आप -500 में खड़े हो। मैंने एक्सपोर्ट किया 1000 रुपये का, मैंने इम्पोर्ट किया 500 का, सर आप +500 में खड़े हो। बट या तो नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, बट हम यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं? केवल गुड्स की। मतलब मैं यहाँ पर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अब चाहे आंसर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम तीनों को कर रहे थे, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी इंक्लूड ओनली गुड्स। तो रीड करता हूं मैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिटरमाइंड कंसिडरिंग ओनली विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमने कैसे निकाला भाई? बाय कंसिडरिंग ओनली विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रांजेक्शन। विजिबल की मैं बात करूं तो बेटा केवल गुड्स की। एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और किसके बीच का डिफरेंस है बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बताया बेटा? डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किसका लेंगे बेटा? केवल गुड्स का। इंपोर्ट भी किसका लेंगे बेटा? अपन गुड्स का। तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मुझे फाइंड करना है व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड मुझे गिवन है कितना बेटा? 500। एंड मुझे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट भी गिवन है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट भी मुझे गिवन है कितनी बेटा? 300। तो देखो मैं BOT का फॉर्मूला लगाता हूँ सर। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड मुझे गिवन है सर 500, एक्सपोर्ट मुझे निकालना है, इंपोर्ट मुझे गिवन है बेटा 300। तो ये वहाँ चला जाएगा तो बेटा मेरा एक्सपोर्ट कितना आया? 800। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सपोर्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ध्यान रखना बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे एक टाइम के बाद, बट अभी अपन कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इकोनॉमी में हमने तीनों को काउंट किया, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। केवल गुड्स की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं हम बेटा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा BOP के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो है बेटा करंट अकाउंट, एक तो होता है बेटा करंट अकाउंट और एक होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। तो BOP के दो कंपोनेंट है बेटा, एक तो है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। तो हम बात करते हैं पहले करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। ऐसा अकाउंट जहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मतलब करंट अकाउंट में वही रिकॉर्ड तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही करते हैं, लेकिन किस किस के? गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो गुड्स तो हो गया बेटा विजिबल, सर्विस हो गया इनविजिबल, और यूनिलेटरल कौन सा होता है? वन साइडेड ट्रांसफर। वन साइडेड ट्रांसफर मतलब मैंने सर्विस दी और पैसा मिला, वो टू साइडेड है। बिना सर्विस दिए पैसा मिल गया, फॉर एग्जाम्पल पेंशन। पेंशन किसका एग्जाम्पल है? यूनिलेटरल ट्रांसफर का। मतलब जब वन साइडेड की हम बात करें, तो करंट अकाउंट में दोबारा से पढ़ता हूँ। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो BOP में क्या था बेटा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक कौन कौन सी थी? विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल। करंट में क्या क्या है? विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। और BOT में केवल किसकी बात करी? गुड्स की। ये केवल बेस बन रहा है, अभी कुछ भी नहीं आता इसमें से एग्जाम में। हम अभी केवल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ ना बच्चों कंपोनेंट्स की करंट अकाउंट के। तो करंट अकाउंट क्या था बेटा? सर करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स।
अब बात करते हैं करंट अकाउंट के हम कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हम कवर करेंगे करंट अकाउंट में, तीनों आपको पता है। एक तो था गुड्स, तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और गुड्स बोले तो सर विजिबल आइटम्स। एक हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर सर्विस बोले तो इनविजिबल आइटम्स। और एक हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, रेमिटेंस एटसेट्रा। तो करंट अकाउंट क्या था, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। और इसके तीन कंपोनेंट है, तीनों आपको पता है सर गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। गुड्स बोले तो विजिबल आइटम्स, सर्विस बोले तो इनविजिबल आइटम्स, और यूनिलेटरल ट्रांसफर बोले तो गिफ्ट्स, रेमिटेंस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि करंट अकाउंट में कुछ एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें नोट करनी है। चलो मुझे इतना सा बताओ, आज मेरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो एक्सपोर्ट मेरी कंट्री के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा तो हमारे लिए क्या है वो पॉजिटिव। ऐसे ही आज अपना कंट्री इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव है, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे ना तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। क्लियर? तो एक्सपोर्ट तो हमारे लिए क्या है बेटा, पॉजिटिव आइटम्स। इंपोर्ट हमारे लिए क्या है बेटा, नेगेटिव आइटम्स। क्लियर? दूसरी चीज सुनना, जो भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, विजिबल आइटम्स। और जो भी सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, इनविजिबल आइटम्स। और करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये पांच पॉइंट अपन को पढ़ने हैं, मैं रीड करता हूं। ऑल एक्सपोर्ट आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो पहली क्या है सर, सारे एक्सपोर्ट, ऑल एक्सपोर्ट आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स। दूसरा, ऑल इंपोर्ट आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम्स। हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए वो क्या है, पॉजिटिव। हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए क्या है बेटा, नेगेटिव। बैलेंस अकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स। तो अगर मैं गुड्स के बैलेंस की बात करूं, बैलेंस अकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। सर गुड्स के बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। सिमिलरली बैलेंस अकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर इज रिकॉर्डेड एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो मैंने क्या बोला कि सर सारे एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव। सारे इंपोर्ट हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। जो गुड्स का बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेटा बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, और जो सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर का बैलेंस है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। और अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट के फॉर्मूले की, तो करंट अकाउंट कैसे निकाला बेटा अपन ने, देखो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो करंट अकाउंट निकल जाएगा। तो क्या क्या था बेटा, नेट वैल्यू ऑफ थ्री बैलेंसेस इज रिकॉर्डेड एज अ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या क्या सर, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये क्या था बेटा, हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब मैं पूरा टॉपिक आपको शुरू से रिकॉल कराता हूँ, अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन सी थी, तीन तरह की थी बेटा, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स क्या थी सर, कोई भी ऐसी चीज जो किसी मैटर या मटेरियल से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड विजिबल आइटम्स। इनविजिबल में हमने कवर की बेटा सर्विसेज विच आर नॉट मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। और कैपिटल ट्रांसफर में हमने कवर किया बेटा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स को। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या बोला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड इट ओनली रिकॉर्ड्स गुड्स।
बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो फॉर्मूला क्या था बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए हम लोग करंट अकाउंट में। तो मैंने बताया करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, मतलब विच रिकॉर्ड्स बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। फिर हमने इसके कंपोनेंट पढ़े, तीन कंपोनेंट थे, क्या क्या बेटा, गुड्स, सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर। फिर हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ी, क्या क्या थी बेटा, सारे एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या है पॉजिटिव आइटम्स, सारे इंपोर्ट हमारे लिए क्या है नेगेटिव आइटम्स। जो भी गुड्स का बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, जो भी सर्विस का बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, और करंट अकाउंट की बैलेंस की अगर हम बात करें तो बेटा तीनों को ऐड कर दो, किस किस को, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये क्या था बेटा अपना करंट अकाउंट। तो हमने किसकी बात करी बच्चों, अभी करंट अकाउंट। बीओपी के दो कंपोनेंट है, करंट और कैपिटल। करंट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं रीड करता हूँ, देखो सुनना। कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। सर क्या अजीब सी बात बोल दी, मैंने कहा ध्यान देना। हम बात करते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट की, किसकी बात करेंगे हम अब। मैं पूरी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे आसानी से, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहली चीज सर, कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो किसके बीच में हो रही है, हमारे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। फिर आगे इन्होंने लिखा विच कॉज अ चेंज इन द, विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेजिडेंट, विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और वो सारी ट्रांजेक्शन जिससे या तो एसेट बढ़ रहा है या एसेट कम हो रहा है, जिससे या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है, वो ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान ने यूएसए में एक होटल खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ, उसका एसेट बढ़ गया, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन है बेटा, कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमारे एसेट या लाइबिलिटी के स्टेटस में फर्क पड़ता है। अब हम शुरू से पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन, वो ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, पहले तो किसके बीच में हो रही है, हमारे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, और उस ट्रांजेक्शन से हमारे एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस में फर्क पड़ रहा है। तो मैं शुरू से बताता हूँ कैपिटल अकाउंट की, मैं बात करता हूँ, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे मेरे एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस में फर्क पड़ रहा है, वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। प्लीज रटना मत, दो पार्ट में डिवाइड करना। सर ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस ट्रांजेक्शन से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सर हमारे एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस में फर्क पड़ रहा है। तो शुरू से, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो वो हम कंपोनेंट्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का, एक दो न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे बोला गया मुझे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स गिवन है 1000
मुझे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फाइंड करना है, मुझे बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन है 2000, फाइंड करो इम्पोर्ट। क्या करने का फॉर्मूला लगाओ, सर बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है बेटा 2000, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है बेटा 1000, इम्पोर्ट निकालना है इधर आ जाएगा, इम्पोर्ट कितना आया बेटा माइनस का 1000। सिंपली अपन ने निकाल लिया, क्या फॉर्मूला लगाया बेटा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने बेसिक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स गिवन है 1000, मुझे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस गिवन है 500, मुझे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गिवन है 2000, मुझे इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स गिवन है 700, फाइंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड करो, एक बार आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको अपने आंसर को चेक करना है, ठीक है? तो पॉज कर लेना, अब मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। तो देखो, अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूँ ना बेटा, सर ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो बेटा मैं अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करूँ तो वो है 1000, मतलब मुझे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को क्या करना है बेटा इग्नोर, ये हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सर बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल गुड्स का कंसिडर करते हैं। तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है 1000। अब मुझे चाहिए इंपोर्ट, किसका इंपोर्ट, गुड्स का, तो जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस दे रखा है ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है सर 700। तो बेटा मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आ गया 300, कितना आया बच्चों 300। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल गुड्स का कंसिडर करते हैं, सर्विस का कंसिडर नहीं करते। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है बेटा, कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे, कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स पढ़ेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ तब तक के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करना, मैंने केवल आज बेस पढ़ाया है आपको, सिंपल से तीन टॉपिक पढ़ाए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है? पढ़ना, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसकी PDF के लिए मुझे आप मैसेज या कॉल कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, हैव अ गुड डे। तो प्लीज़ इस पार्ट को पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे अपन लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।